नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल LSTV इंडिया में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं मौसम की ताजा अपडेट। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप किस जिले, किस राज्य के मौसम की जानकारी चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 18 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जल्द सक्रिय होगा। पश्चिमी विक्षोभ, 24 मई से बारिश और आंधी की चेतावनी। मानसून पर अपडेट जानिए IMD का पूर्वानुमान। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे के लिए उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी गई है। मंगलवार शाम से 5 दिन के लिए पूर्व और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा 26 मई के दौरान तेज आंधी और बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इसके साथ ही हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। आज प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में लू का प्रकोप जारी रहेगा। 18 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। लू और हीट वेव की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में चिलचिलाती गर्मी के बीच अगले 2 दिन लू के थपेड़े जारी रहेंगे। 2 दिन बारिश की संभावना से इनकार करते हुए गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कानपुर में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है तो वहीं वाराणसी में भी अधिकतम तापमान के 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का पूर्वानुमान लगाया गया है। लखनऊ में तापमान 42 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। लू और हीट वेव की चेतावनी जारी। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर भी जारी है तो वहीं शनिवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। आने वाले 2 दिन कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में गर्म तेज हवाएं चलेंगी। 14 मई को तापमान 40 डिग्री था जबकि इसके बाद तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मौसम में बदलाव, ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं। 23 मई को WD सक्रिय होने की संभावना व्यक्त की गई है। इधर बुंदेलखंड में भी लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन जिलों में लू का अलर्ट। जिन क्षेत्रों में लू की चेतावनी जारी कर दी गई है उसमें बांदा, चित्रकूट के अलावा औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कौशाम्बी शामिल हैं। इन सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। यहां बढ़ा तापमान। बता दें कि हीटवेव की चेतावनी जारी कर दी गई है। जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तब हीटवेव की चेतावनी जारी की जाती है। झांसी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। प्रयागराज में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आगरा और बनारस में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कानपुर, लखीमपुर खीरी सहित फुर्सतगंज और उरई में भी तापमान 42 डिग्री के आसपास रहा। यूपी में मानसून का असर। वहीं मानसून के लिए उत्तर प्रदेश वासियों को थोड़ा इंतजार करना होगा। 1 जून के आसपास भारत में मानसून का प्रवेश माना जाता है। हालांकि इस बार मानसून 5 दिन की देरी से भारत में प्रवेश करेगा। ऐसे में 18 से 20 जून के बीच उत्तर प्रदेश में आने वाले मानसून के 25 जून तक क्षेत्रों में आने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम प्रणाली। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, तेलंगाना के ऊपर केंद्रीय चक्रवात दबाव का क्षेत्र निर्मित हो रहा है। उत्तर पश्चिम भारत में 23 मई को विकसित हो रहे पश्चिमी विक्षोभ से राज्य के क्षेत्रों पर मौसम का असर देखने को मिलेगा। फिलहाल अंचलों में ग्रीष्म लहर जारी है। प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट में तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।